हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हिंदी प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, यूपी ट्रिपल एस सी पेट, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस और एमपी पुलिस। ये इस समय पुलिस की वैकेंसी जो है इतनी अधिक निकली है, हर जगह हर स्टेट में निकली है, तो उसका हिंदी प्रैक्टिस सेट है कराया जाएगा। तो पहला प्रश्न दिया है, शब्द भाषा की कैसी इकाई है? शब्द भाषा की कैसी इकाई है? तो ऑप्शन हो जाएगा स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? वाक्य, ध्वनि, स्वर, शब्द, क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 41, शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है, शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा अभिधा, तत्सम, लक्षणा, व्यंजना, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी तत्सम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ल जो है किस प्रकार की है? तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा ए पार्श्विक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 43 देखते हैं, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ, व्यंजन ध्वनि है, तो इसमें जो है ऑप्शन कौन सा है? सी ठ हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? कारखाना, अमिताभ, चहचहाना, कलरव, कौन सा है? तो ऑप्शन सी कलरव। क्वेश्चन यहाँ दिया है 45 और 46, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध वाक्य इसमें से छाटना है, अतियोक्ति, कवित्री, अनुग्रहित, पक्षीगण, तो कौन सा सही है? ऑप्शन बी कवित्री जो है सही है। पुरस्कार, सामर्थ्य, वराजी, पूज्य, ऑप्शन बी सामर्थ्य जो है सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 47 देखते हैं, वसंत के चार पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है? त्रुटिपूर्ण जो है खोजना है, तो ऑप्शन जो है डी है। क्वेश्चन नंबर जो है 48 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? उपसर्ग जो है छाटना है, इसमें से कौन सा शब्द है? ऑप्शन बी पराजय। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द जो है कौन सा है? दशानन, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? असंगत जो है शब्द छाटना है, तो यह कारतूस अंग्रेजी, कारतूस जो है अंग्रेजी शब्द है। क्वेश्चन नंबर जो 51 देखते हैं, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी देशज कहते हैं। तो अगला प्रश्न, अधिकृत शब्द का विलोम है, अधिकृत शब्द का विलोम पूछा है, बी अनधिकृत हो जाएगा। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? स्टेशन, तो ऑप्शन बी अंग्रेजी भाषा है स्टेशन। हवा का परिवाची, हवा का जो है परिवाची पूछा है, और इसमें क्या कहा है? हवा का परिवाची नहीं है, इसमें से कौन सा शब्द जो है परिवाची नहीं है, है हवा का, तो ऑप्शन हो जाएगा डी ध्वज। क्वेश्चन नंबर जो है अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द के परिवाची गलत हैं? किसका जो है गलत है? क
कमल दिया है, जलज पंकज, सरोज पुष्प, कुसुम फूल, सुमन सरस्वती, गिरा भारती वाणी, सूर्य दिवस, याम वासर। तो इसमें से जो है कौन सा ऑप्शन डी सही है, सूर्य दिवस याम वासर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन 56 और 57 दिए गए सही अर्थ युग्म चुनिए। चंड चंड इसमें जो है कौन सा सही है, सही युग में चुनना है। तो ऑप्शन ए चतुर क्रोधी छत्र छत्र, इसमें से कौन सा है, छत्र माने छाता, छत्री हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन जो है बी सही है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य जो है चुनना है। तो ऑप्शन जो है ए उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। अगला प्रश्न, किए गए उपकार को न मानने वाला व्याकरण की दृष्टि से क्या है, कृदंड, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है जिसके सिर पर चंद्र हो। तो ऑप्शन बी चंद्रशेखर। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाली है, हरियाली है, क्या यहाँ भरा जाएगा, सी भाववाचक संज्ञा है हरियाली एक। निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं होता, चाचा, बहन, कोयल, भैंसा। तो ऑप्शन जो है कौन सा है, कोयल, सी। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, शिशु, भक्ति, पुस्तक, प्राण, कौन सा है। तो ऑप्शन डी प्राण। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, चैन की वंशी बजाना का अर्थ है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, मौज करना। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है, गलत जो है कौन सा है, इसमें से छाटना है, नजर पर चढ़ना, आंख बचाना, यही ऑप्शन जो है डी। क्वेश्चन नंबर जो है 66 देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन कीजिए, जो तुम्हारी अनुशासन पावे, कंदुक इव ब्राह्मण उठावे, कांचे घट जिमीदारो फोरी, सकहूँ मेरु मूसक जिमी तोरी। इसमें से क्या पूछा है, शांत, अद्भुत, वीर, रौद्र, कौन सा रस है। ऑप्शन डी रौद्र रस। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, या अनुरागी चीत की गति समूझे ना ही कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। कौन सा अलंकार पूछा है, कौन सा विरोधाभास, रूपक, श्लेष, वक्रोक्ति, कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर जो है अगला देखते हैं, श्री गुरुचरण सरोज राज निज मन मुकुर सुधारी, बरनो रघुवर विमल जसु जो दायाक फलचारी, पंक्ति में कौन सा छंद है। तो कौन सा छंद इसमें दिया है, दोहा है। क्वेश्चन नंबर जो है 69 देखते हैं, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है, महाभोज, तो यह मनु भंडारी है। लाल तीन की छठ किसका उपन्यास है, निर्मल वर्मा जी का है, ऑप्शन सी। तो ये है, 30 प्रश्न समाप्त हो गए हैं।